कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका ने यूपी सरकार और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट्स किए। अब प्रियंका गांधी ने नए ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के कारनामे चरम पर हैं और जनता पूछ रही है कि ऐसा क्यों है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि यूपी सरकार के नेता प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर मेरे ट्वीट का कुछ भी झूठ-मूठ जवाब दे दें, मगर पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने अनुदेशकों के मामले में यूपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने हिंदुस्तान में छपी खबर पर ट्वीट करते हुए कहा था, यूपी की बीजेपी सरकार अनुदेशकों के ऊपर अत्याचार किए जा रही है। 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतनमान का वादा पूरा करना तो दूर, अब उनके 8,470 रुपये मानदेय में भी कटौती की जा रही है। क्या यूपी सरकार के पास इस धोखेबाजी का कोई जवाब है? प्रियंका ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि देश में जल संकट के खिलाफ लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति को साथ आना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर लिखा था, महाराष्ट्र, चेन्नई, बुंदेलखंड सहित देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, जल है तो जीवन है, लेकिन जल की बढ़ती कमी हमारे लिए सबसे बड़ा चिंतन है। हम सबको मिलकर इस समस्या का हल जल्दी निकालना होगा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए।